Hello dear friends, welcome to our channel Intensive Study. We have been doing maths of class 6th of NCERT and we have been continuing the topic of symmetry. Exercise 13.2 ka question number 2nd hai. Draw the lines of symmetry and identify the type of triangle. Lines of symmetry draw कीजिए और साथ ही साथ बताइए कि ये जो triangle है या त्रिभुज है ये किस type का triangle है. तो सबसे पहले ये figure हमें A part में मिला हुआ है. इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं. तो सबसे पहले हम इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं. आप देख सकते हैं 1, 2, 3 इसके तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल दिख रहे हैं. तो जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं. तो इस ट्राइंगल में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. एक लाइन यहां से इसके कॉर्नर से निकालते हुए कर सकते हैं और एक लाइन यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी समबाहु त्रिभुज. समबाहु त्रिभुज ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल को हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज. और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं. 1, 2, 3 1, 2, 3 इस तरीके से हम इसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं. बी पार्ट में हमें ये वाला फिगर मिला हुआ है. इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं. तो जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उसे हम कहते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल. आइसोसेलिस ट्राइंगल ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है. हिंदी में इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती हैं. अब हमें इसमें सिमेट्री लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो पोर्शन है थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट आपको लग रहा है, बट जब आप एक आइसोसेलिस ट्रायंगल में एक लाइन बीचों बीच ड्रॉ कर देंगे तो वो उसको दो आइडेंटिकल या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. और हम एक आइसोसेलिस ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ कर सकते हैं. बाकी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं होगा. नीचे का पोर्शन कुछ और होगा, ऊपर का कुछ और होगा. तो आप एक आइसोसेलिस ट्राइंगल में सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ कर सकते हैं. वन लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल. इन द सी पार्ट वी हैव अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है. तीनों एंगल्स का सम मिलाकर 180 डिग्री होता है मगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है. तो चलिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं. तो देखिए हम इस टाइप की लाइन खींच के इसे दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ये वाला पार्ट इसे इस पार्ट को ओवरलैप कर लेगा यानी एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा. तो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ की जा सकती है. So only one line of symmetry can be drawn in a right angled triangle. D part में हमें ये वाला triangle मिला हुआ है. ये एक scalene triangle है. आप देखिए इसकी ये side और ये side तीनों different है. जिसकी तीनों sides different होती है उसे हम कहते हैं scalene triangle. हिंदी में कहते हैं विषम त्रिभुज. तो इस फिगर में आप चाहे जैसे भी लाइंस ड्रॉ करें, चाहे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें. देखिए यहाँ का पार्ट बिल्कुल डिफरेंट है इस पार्ट से. ये पार्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा है और ये पार्ट थोड़ा छोटा है. तो ये एग्जैक्टली दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा. तो वर्टिकल लाइन तो ड्रॉ नहीं हो सकती तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ. आप इसे हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी आप देख सकते हैं ऊपर का पोर्शन कुछ और है, नीचे का कुछ और है. तो ये भी नहीं बनता. अगर आप इसे एक डायगोनल लाइन में ड्रॉ कर दें तो भी आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन और इस पोर्शन में बहुत डिफरेंस है. यानी स्केलन ट्राइंगल, ये जो स्केलन ट्राइंगल है ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते. तो मैं इसे भी इरेज कर देती हूँ और लिख देती हूँ कि यहाँ पर हम एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते. यानी 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री. नो लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन अ स्केलन ट्राइंगल. हम एक विषम त्रिभुज में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री या सममिति की रेखा नहीं खींच सकते, उसको दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते.
That's all for today. If you liked this video, please hit the like button, share this video, do subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. और आप हमें comment करके भी बता सकते हैं कि आपको video कैसा लगा. Thank you very much.